आज मैं एक बहुत ही अच्छी और लाजवाब रेसिपी लेके आई हूँ जो मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। ज़्यादा समय इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता और गुणों से तो यह भरपूर है। यदि आपने ये एक बार बना के खा ली रेसिपी तो आप बार बार इसे ही बना के खाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, हानवी चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर में। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज हम यह रेसिपी हरे मूंग, बेसन, गेहूं का आटा, सूजी, ओट्स, पोहा, जौ का दलिया, क्योंकि मुझे जौ नहीं मिले थे तो मैं जौ का दलिया का यूज कर रही हूँ, अजवाइन जो सेहत के लिए, हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, और अलसी से बनाने वाले हैं। ये सारी चीज़ें जब एक जगह मिलके एक रोटी बनेगी तो आप सोच सकते हैं कि सेहत के लिए कितनी लाभकारी होगी, क्योंकि बच्चे अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं और जब तक वो अच्छे से खाना नहीं खाएंगे तो उन्हें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे और उनका अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा। यह रेसिपी बड़े बूढ़े बच्चे और जो डाइट करते हैं उनके लिए यह बेस्ट रेसिपी है। तो आप एक बार इस तरह से रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा लिया है, उस पर हम हल्का सा इसे 1 से 1.5 मिनट भून लेंगे, क्योंकि इनमें जो थोड़ा सा मॉइस्चर होती है वो निकल जाएगी। आप तवे की जगह कढ़ाई में भी भून सकते हैं। तो इस तरह हम भून लेंगे और इन्हें ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें हम ये जो सारी चीज़ें इसके अंदर डाल लेंगे। हमें चक्की पे या कहीं भी आटा पिसवाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर में ही इस तरह आटा बना के 10 से 15 दिन के लिए रख सकते हैं। मैं इसी तरह 1 हफ्ते का आटा बना के रख लेती हूँ और इनका टेस्ट जो होता है ना, इस रोटी का बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। इसमें जो अजवाइन का फ्लेवर आता है पिसने के बाद एकदम मस्त होता है। तो इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मल्टीग्रेन आटा बनके तैयार है। आप इसे एक बर्तन में एयर टाइट कंटेनर में डाल के 10 से 15 दिन तक आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक परात ले लेते हैं और उसमें हम अपना मल्टीग्रेन आटा डाल लेते हैं और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। हमारे यहाँ पे परात में ही खाना बनता है और इसमें दिखावे की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे चकला यूज नहीं होता है। परात में ही आटे को लगाया जाता है और इसी में ही खाना बनता है। तो मैं आपको उसी में ही दिखाती हूँ। और हमें यह आटा बिल्कुल नरम बनाना है क्योंकि इसमें है सूजी और सूजी बहुत ज़्यादा पानी सोखती है। तो इसको बिल्कुल नरम लगा के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 से 10 मिनट के बाद जैसे आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं आप उसी तरह, मैंने ये गेहूं के आटे में हल्का सा लगा के और इसे रोटी को बेल लिया है। आप बिना आटे के भी बेल सकते हैं और ये रोटी टूटती नहीं है, जैसे बाजरे की रोटी होती है वो टूट जाती है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटती है। और इसका स्वाद जब आप बना के खाएंगे तो आपको पता चलेगा, जो नॉर्मल आटे की रोटी होती है, इस आटे की रोटी जब आप रोटी बनाते हैं ना तभी पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल जाती है, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है किचन में। और प्लीज़ यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। और कमेंट में करना न भूलें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और हमें अच्छे से दोनों तरफ से रोटी को सेक लेना है। और इस रोटी की खासियत तो यदि आप सुबह बना के रखे रहे हैं और आपको शाम को खानी है, क्योंकि कई बार 3-4 बजे शाम की भूख सी लगाती है, तो भी आपकी रोटी ऐसी लगेगी जैसे आपने अभी बना के रखी है, एकदम नरम नरम रोटी। और फ्लेवर तो इसमें है ही है और गुणों से तो ये भरपूर है क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें डाली हैं। आप चाहे तो और भी चीज़ें डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं इनका कलर मूंग की वजह से थोड़ा हरा हरा सा लग रहा है और एकदम बढ़िया है। इसको खा के देखिए और प्लीज़ कमेंट में बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी।
क्योंकि ये आयरन, विटामिन, कैल्शियम से भरपूर है और आप इसे खाएंगे तो आपका शरीर तो मजबूत होगा ही होगा और आपके बच्चे भी तंदुरुस्त होंगे। तो इस तरह हमें खाना बदल बदल के खाना चाहिए कि चल कभी किसी चीज़ का बना के खा लिया, कभी किसी चीज़ का, इससे बच्चे हेल्दी होते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।